नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ऑफ लाइफ, जिस पर भी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। आज हम केमिस्ट्री के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है देखते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होते हैं। देन सच रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तब इसको हम कह सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। एक और डिफिनेशन है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज गिवेन रेट एक्सप्रेशन इज जीरो और जीरो, देन द ऑर्डर रिएक्शन विल बी जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है? N2 N2 प्लस O2। N2 प्लस O2 जब रिवर्सिबल हो रहा है तो 2NO, चूँकि ये भी 2NO भी गैसियस फॉर्म में है, NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक और एग्जांपल है 2SO2 प्लस O2, जब इन रिवर्सिबल हो रहा है तो 2SO3 बन रहा है जो कि ये भी गैसियस फॉर्म में, तो इसका भी ऑर्डर जीरो हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ रेट कांस्टेंट, द लेट लेट द गिवन रिएक्शन इज जीरो, तो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, ए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी क्या है? एक्स, बी को हमने एक्स माना है और ए को एक ए माइनस एक्स माना है। तो लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आगे देख, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। डी एक्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डी एक्स अपॉन में डी टी प्रपोर्शनल, डी एक्स अपॉन में डी टी प्रपोर्शनल हो रहा है ए माइनस एक्स के पावर जीरो, तो डी एक्स अपॉन में डी टी प्रपोर्शनल का साइन हटेगा तो कि कांस्टेंट लगेगा ए माइनस एक्स के पावर जीरो, तो वेयर के इक्वल रेट कांस्टेंट, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल के, तो डी एक्स इक्वल के डी टी, तो डी एक्स इक्वल के डी टी इक्वेशन वन हो जाता है। तो ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन वन में हम इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल के इंटीग्रेशन डी टी, तो एक्स इक्वल इंटीग्रेशन करने पे एक्स इक्वल के टी प्लस आई, जो कि आई के है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इफ एक्स इक्वल जीरो लेंगे, टी इक्वल जीरो लेंगे और आई इक्वल जीरो लेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी पार्ट्स जीरो ही रहेगा। तो जीरो इक्वल के इंटू जीरो प्लस आई, आई इक्वल जीरो, तो इक्वेशन टू एक्स इक्वल के टी, तो के इक्वल एक्स अपॉन में टी। तो हमने के की वैल्यू फाइंड कर दी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।